क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा राम हो या रावण, जनता तो बेचारी सीता है। कोई राम होगा तो उसकी अग्नि परीक्षा लेगा, कोई रावण होगा तो उसका हरण करेगा। क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव होगा तो उसका चीर हरण करेगा, पांडव होगा तो उसे दांव पे लगा देगा। क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी जिंदा लाश है। हिंदू होगा तो जला देगा, मुसलमान होगा तो दफना देगा। मैं विश्वनाथ प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटीज, अपनी पत्नी और बच्ची को सुरक्षा देने में असमर्थ हूँ। यहाँ की खोखली व्यवस्था, प्रशासन और न्यायपालिका सत्ताधारियों के रखेल बन चुकी हैं। अशासन पर दुशासन हावी हो गया है। मैं रोज मरता रहा, एक एक इंच, आज सारी चीज़ों से मेरी आस्था उठ गई है। अब ये घुटन और बर्दाश्त नहीं होती, जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा। आज नीति आत्महत्या कर रही है, आज न्याय आत्महत्या कर रहा है, आज विश्वनाथ प्रसाद आत्महत्या करने पर। दिस इज वेरी सैड मिस्टर प्रधान। मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद हमारे बहुत ही कैपेबल ऑफिसर थे। उनकी बीवी के साथ बलात्कार हुआ और वो भी एक सिटिंग एमएलए के बेटे के हाथों। क्या अब हम लोगों को ये दिन देखने पड़ेंगे जहां लोगों के पास एक ही आखिरी रास्ता रह जाता है, खुदकुशी करने का? अपने इतने सालों के सर्विस में मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, वो भी एक आईएएस ऑफिसर के साथ। मिस्टर प्रधान, आप सीबीआई के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। मैं चाहता हूं कि आप पटना जाकर के इस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन करें। और हाँ, हमारे काबिल आईपीएस ऑफिसर अभिमन्यु सिंह इस केस में आपका साथ देंगे। ए दयालु भैया, मामला बड़ा अच्छा है, उठा ले क्या? कारे, तुम लोग का बहुत मन कर रहा है का? हाँ दयालु भैया, चल उठा के ले चलते हैं बंगले पर। अरे पकड़। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
एसपी साहब, ये शहर बहुत खतरनाक है। हर रोज नेता लोग यहाँ पे कानून से खेलते हैं और वर्दी को अपनी रखेल समझते हैं। कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझने वाले हिजड़ों को बहुत जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। अंगूठा लगा साहब, हम आपको कितनी बार बोल चुके हैं, हम नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। हम नक्सलवादी नहीं हूं साहब। अरे ससुर का नाती हो, हम जानता हूं। तेरी शक्ल पे ही लिखा है कि तेरी इतनी अकल नहीं है कि तू नक्सलवादी बन सके। शांत हो जाइए आप लोग। मेरे आश्रम के आदमी को क्यों बंद करके रखा है, मुझे बताओ तो सही। अभिमन्यु, तुम? नमस्ते योगी जी, यहां आज मेरा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? बेटा वो इन्होंने मेरे आश्रम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया और मेरे साथ। वो नक्सलवादी है। झूठ मत बोलो। किसी बेकसूर को अपने मतलब के लिए गिरफ्तार करते हैं और ऊपर से उसे नक्सलवादी कहते हैं। शर्म आती है मुझे। जैसे योगी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूं। अगर तू इस कबूलनामे पर अंगूठा नहीं लगाएगा तो कल अपने घर वालों की चिता जलते हुए देखेगा। तुम आज से तुम मुझे सर और आप कहकर बात करोगे। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। ठीक है सर। कौन है ये? सर ये नक्सलवादी है, हम इसे पकड़ा हूं, वोट ले जा रहा हूं। इसे पकड़कर तुमने बहुत मेहनत की है, अब कोर्ट ले जाने की मेहनत मैं करता हूं। लेकिन सर हम इसे पकड़ा हूं। अब जरा निकलने की मेहनत करेंगे और ये बटन बंद रखा करो। ठीक है सर। इस ससुरा भी गलत टाइम पर टपका। तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? अब कहा बताए सरकार, हम तो यहाँ आए थे जोगी जी को बताने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे यहाँ बिटिया पैदा हुई है, न जाने कहाँ है हमको पकड़ लिए। घर वापस जाना चाहोगे? हम समझे नहीं। जाओ। जाओ मैं कह रहा हूँ जाओ, आगे तुम्हें बस मिल जाएगी। हमको मालूम है आप हमको जेल में डाल दीजिए, लेकिन मारिए नहीं। हमको मालूम है जैसे हम यहाँ से चलेंगे आप हमको गोली मार देंगे। लो लो जाओ, अपनी बच्ची के पास जाओ जाओ। Oh.
लाभ हम काहे। How could you? आपको आए हुए यहाँ चंद घंटे नहीं हुए और आपने आते ही एक नक्सलवादी को छोड़ दिया। इसी बात का तो अफसोस है सर, काश मैं यहाँ पहले आया होता, कुछ और बेगुनाहों को जिंदगी मिल जाती। मिस्टर सिंह, आप पहेलियां बुझाना छोड़िए, आप किस बारे में और क्या कहना चाहते हैं? सर, मिस्टर ब्रिजभूषण से पूछिए। हम कुछ समझे नहीं सर। चलिए मैं ही समझाता हूं। काफी मेडल्स कमाए आपने मिस्टर ब्रिजभूषण, जरूर ये नक्सलवादियों को पकड़ने के लिए होंगे। बिल्कुल सर। काफी अच्छा तरीका अपनाया है आपने। बाय द वे, ये क्या हो रहा है मिस्टर सिंह? अभी बताता हूं सर। गरीब बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें डराकर ये उनसे कबूल करवाते हैं कि वो नक्सलवादी है। यही है इनके फूले हुए सीने का राज। क्या बकवास कर रहे हैं सर? ये बकवास नहीं है मिस्टर ब्रिजभूषण। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप उस आदमी के साथ क्या कर रहे थे। अगर मैं एक ऑफिशियल रिपोर्ट कर दूं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। कमिश्नर साहब, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था, आप इन्हें अपना फर्ज समझा दीजिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। जी प्लीज कम। आइए मिस्टर सिंह, ये है मिस्टर प्रधान सीबीआई के। हेलो सर। ये दिल्ली से आए हैं। और ये है मिस्टर सिंह, यहाँ के एसपी। आज इनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। अब प्लीज बैठिए ना आप लोग। जी मिस्टर प्रधान, ये रही आपकी केस की फाइल। फिलहाल आप इस केस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि इस केस में कुछ खास बात है। जो भी हो, मुझे सिर्फ वो फैक्ट चाहिए। तो बात ऐसी है, आईएएस ऑफिसर विश्वनाथ प्रसाद ने आत्महत्या कर ली है। उसकी पत्नी एक बदचलन औरत है और उसकी असलियत पति विश्वनाथ प्रसाद अच्छी तरह जान चुका था, मगर वो इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सका और जिस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है वो यहाँ के एक इज्जतदार घर का शरीफ लड़का है। वो भाग यहाँ से इसलिए गया है क्योंकि सारा पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ है। क्या हम उस औरत से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चाहें तो आज ही जाकर उससे मिल लीजिए। हाँ, जो हुआ बुरा हुआ, होनी को कौन टाल सकता है। तुम धीरज रखो, सब शांति से निपट जाएगा। सिर्फ तुम्हें अपनी जबान पर ताला लगाना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वैसे बात को इतनी आगे बढ़ाने की जरूरत क्या थी? हाँ, तुम अपनी जबान पर काबू रखना, समझ गई? वैसे भी तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है। असलियत क्या है यह बताना बहुत मुश्किल है। जहां तक मैं जानता हूं, विश्वनाथ प्रताप का परिवार बहुत सुखी था। देखिए ना, आज वो इस दुनिया में नहीं है। यहां तक कि उसकी बीवी भी नहीं के बराबर ही है। उनकी निजी जिंदगी में क्या हुआ होगा उसका तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग लोगों ने जो बातें देखी और सुनी वो मुझ तक पहुंची, क्योंकि लोग जानते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा धर्म है। बस नमस्कार। नमस्कार। आप नए सीबीआई ऑफिसर प्रधान है ना? इस नए जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत मुबारक। क्या बात है, क्या बात है, वर्दीधारी और आंदोलनकारी साथ साथ, ठीक उसी तरह जैसे बलात्कारी और सत्ताधारी साथ साथ है। प्रधान जी, प्रदेश की हालत बहुत पेचीदा होती जा रही है और फिर सेंटर और स्टेट का रिश्ता तो आप समझते ही हैं, इसलिए आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। मैं चलती हूं। नमस्कार। नमस्कार। आइए, चलिए। बेटी, ये लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं।
क्या इनकी मदद मुझे वो लौटा सकती है जो मैं खो चुकी हूँ? इनसे कहीं ऐसे चले जाए। बेटी, बेटी मेरी बात तो सुनो। बेटी देखिए मैडम, आप पर जो बीत रही है सिर्फ आप ही जानती हैं, आप ही उसे महसूस कर सकती हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका यह दर्द थोड़ा कम कर दें, और यह तभी होगा जब कसूरवार को सजा मिलेगी। और आपके इस तरह निराश होने में उन लोगों की जीत है, और इस जीत में सिर्फ आपकी नहीं हम सबकी हार है, और मुझे हारना बिल्कुल पसंद है। मैं जानता हूं जो मैं आपसे कहने वाला हूं उससे आपको तकलीफ होगी, और इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। लेकिन उन लोगों को सजा दिलवानी है, आपको उस हादसे के बारे में जरूर बताना होगा। जब उनका तबादला इस शहर में हुआ था, हम दोनों कितने खुश थे। शाम रात दिन करूं इंतजार, बेकरारियों में भी आ गया करार। देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। सुबह शाम रात दिन करूं इंतजार, बेकरारियों में भी आ गया करार। हो देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। भर के हद से गुजर के ठहरो जरा मैं झूम लूं। कहती है मेरी बेताबियां मैं तेरे लबों को चूम लूं। दीवाने दिल पर की आंखों में प्यार।
की आंखों में प्यार। जानम पे कर दूंगा हो, जानम पे कर दूंगा मैं जान सा दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। देखा है मैंने तो पहली बार दीवाने की आंखों में प्यार। देखा है मैंने तो पहली बार दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। कुंती, चलो सना बेटे। शाबाश ड्राइवर, तुम सामान निकालो। अरे कौन है? जरा पूछिए तो सही, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? बिदक जाएगी, खाएगी नहीं, चुप रही थोड़ी देर। हाँ ले बेटा, ले ले ले। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये घर हमें अलॉट हो चुका है, चलो निकलो यहाँ से। हैं? हम यहाँ से निकले काहे? बड़ी मालकिन हो जानते हैं आप? हम नहीं जानते किसी बड़ी मालकिन मालकिन को। आप अपना सामान अलग से रखवा दीजिएगा। अलग? देखिए, हम यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे खाली कर दें? हम तो यहीं रहेंगे बस। ये तो नहीं होगा। ए, ये सरकारी मकान है, तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं। ऊपर से सर उठा के बात कर रहा बदतमीज। चलो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाए यहाँ से। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप जाकर बड़ी मालकिन से बात कीजिए, उधर सामने वाले मकान में जाइए। ये बड़ी मालकिन कौन है यहाँ की? रामेश्वरी वर्मा, मंत्री हैं यहाँ की, मंत्री। रामेश्वरी वर्मा, ठीक है कुंती, अभी चलते हैं। मैं देखता हूँ ये है कौन, रामेश्वरी वर्मा। नमस्कार मैडम, मैं विश्वनाथ प्रसाद, अभी अभी ट्रांसफर पर आया हूँ एज डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी। नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशन, बैठिए। थैंक यू। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको यहाँ? नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपसे एक दरख्वास्त थी। हाँ हाँ बोलिए मैडम। ये जो सामने वाली कोठी है, ये मुझे अलॉट हो चुकी है और मैं यहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट करना चाहता हूँ, मगर वहां पर कुछ लोग पहले से ही डेरा डालकर बैठे हैं और क्या। हाँ तो कोई और मकान देख लो, मकान की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मकान तो बहुत मिल जाएंगे, हमारे लोग रह रहे ना उसमें। मैडम आपको पता होगा कि ये आपका या किसी का निजी मकान तो है नहीं, सरकार ने कायदे से ये मकान हमें अलॉट किया है और हम अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सर्किट हाउस में कब तक रह सकते हैं? देखिए हमसे बहस मत करो, ये मकान आपको नहीं मिल सकता। आप कमाल कर रही हैं मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप हुक्म चला रही हैं। मकान हमें तुरंत खाली चाहिए। देखो क्या नाम बताया आपने? विश्वनाथ प्रसाद। हाँ देखो प्रसाद जी, कायदा तो जो हम बोलते हैं वो होता है,
और कानून जो हम करते हैं। जाइए, आप नए आए हैं इसलिए इस बार आपको छोड़ देते हैं। जाइए आप यहाँ से। अरे आप क्या हमें छोड़ेंगी? कानून हमें मत सिखाइए, हम भी एक आईएएस ऑफिसर हैं। अब हम आपको दिखा देंगे कि सरकारी मकान कैसे खाली करवाते हैं। क्या समझती अपने आप को? कहती हमें मकान नहीं मिलेगा जैसे उसके बाप का राज है। देखिए आप खामखा परेशान हो रहे, हम यहीं रह लेंगे। क्यों भाई, यहाँ क्यों रहे हम? सरकार ने वो मकान हमें दिया है, उस पर पूरा अधिकार हमारा है। मैं वो मकान जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन बात क्या हुई वो तो बताइए। मुझसे कहती है मैं जो करती हूँ वही कानून है और जो कहती हूँ वही कायदा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। I will fight for my rights. देखिए, मकान की चिंता मत कीजिए, मकान तो मिल ही जाएगा। बात ये नहीं है कुंती, बात उसूल की है। अच्छा खासे मकान को तबेला बना के रख दिया उन लोगों ने। पापा पापा आप मम्मी को डांट क्यों रहे हो? अच्छा अंदर चलिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। चलिए। सब जरा ये पता बता दीजिए ना, बड़ा देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे शर्ट के नीचे फुल मैगजीन लोडेड पिस्टल है। अपनी सलामती चाहते हो तो गाड़ी से उतर कर भागो। लो जी, कंप्लेन हम लिख लिया हूं, अब आप जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। फिर भी साहब देखिएगा अगर कुछ हो जाए तो। ठीक है, देखेंगे। ठीक है। एक मिनट जी, यहां कंप्लेन लिखाने से कुछ नहीं होगा, समझे? कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद फाइल ऐसे ही क्लोज हो जाएगी। आपको अपनी गाड़ी वापस चाहिए तो सीधा सीएम साहब के पास जाके फरियाद करो। पुलिस ये मामला में तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, समझे? सीएम साहब। हाँ सीधा। अब क्या करें, पॉलिटिक्स में सब करना पड़ता है, क्या कहती हैं? आप यहाँ रुकिए, मैं सीएम साहब से पूछ के आता हूँ। ये हमारी गाड़ी सीएम साहब का बंगले में कैसे पहुंच गई? अभी सब बात सीएम साहब तक थोड़ा ही पहुंचेगा। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, जाओ बुलाए हैं। अरे रघुआ, हमरे एक फरियाद था हुजूर। हाँ बोलिए बोलिए शर्मा जी, बोलिए। हम शर्मा नहीं मिश्रा हैं। अरे शर्मा नहीं है तो काहे शर्मा रहे हैं, बोलिए खुल के बोलिए भाई। हमरा गाड़ी उठा लिया सब। तो एक पुलिस स्टेशन है। अरे भाई थाना में जाके कंप्लेंट लिखाइए ना, यहाँ काहे आए हैं? हुजूर हमरा गाड़ी आपका ही बंगले में खड़ा हुआ है। वो जो ब्लू वाला मारुति है ना, वो हमरा ही है। और ये बाबू साहब बंदूक कनोक में उठा के लाए हैं यहाँ। कारे दैलुआ, तुम साला अपना पराया नहीं पहचानता है? चल गाड़ी वापस कर इनका। दे दे सरकार, मगर वो जो अगर मगर क्या करते है, गाड़ी वापस करना चुपचाप। देखिए मिश्रा जी हंस रहा, अब क्या है बच्चा है, बहुत मेहनत किया है बेचारा। आप एक काम करिए, चाय पानी के वास्ते इसको कुछ दे दीजिए। दे दीजिए भाई 50-60 हजार रुपया। अरे पानी बना रहे हो भाई साहब। नमस्कार जी। आप? मैं रामेश्वरी वर्मा। मेरे पति घर पर नहीं है। मैं जानती हूँ, फिर भी यहाँ क्यों आई हूँ? दरअसल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने एक जलसा रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप भी वहां आएं। देखिए मैं, ओहो लगता है मेरे और प्रसाद जी के बीच हुई अनबन से आपको बहुत तकलीफ हुई है। जी वो मेरे पति हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है।
आजकल के जमाने में ऐसी भावना कहाँ दिखती है। मिसेस प्रसाद, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आपके पति से कोई दुश्मनी नहीं और मेरे ख्याल से उन्हें भी मुझसे कोई बैर नहीं। फिर भी अगर मेरी वजह से आप लोगों को कुछ तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। देखिए, आप माफी मत मांगिए। तो मैं ये समझूं कि आप आ रहे हैं? जी, आप जब इतना कह रही हैं तो थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। धन्यवाद। वैसे ये पहली बार है कि मैं खुद किसी को नियुक्ता देने आई हूं। मैं आपकी राह देखूंगी। हाँ,
क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हो। वो इसलिए कि दो दिनों तक मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस के काम से दो दिनों के लिए बाहर जाना है। कब? कल। लेकिन दो दिनों में वापस आ जाओगे ना? कोशिश करूंगा, सरकारी काम है और सरकारी काम का भरोसा नहीं कर सकते। जन्मदिन का एक खूबसूरत तोहफा, उफ, वो संगमरमर सा तराशा हुआ सफाफ बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं, मगर अफसोस वो गैर की अमानत है, एक आयस की बीवी, क्या करें हम। भाभी जी बड़ा वक्त लगा रही हैं। अच्छा बेटा, खाना जरूर खा लेना, कल की तरह वापस मत लाना। ओके मम्मी। और स्कूल खत्म होते ही सीधा बस में बैठ जाना, इधर उधर मत जाना। जी मम्मी। ए बंटी भैया, ये माल तो बहुत टनाका है भाई। कुछ उपाय करना पड़ेगा। हेलो जी, मैं मिसेस प्रसाद बोल रही हूँ। साहब है जी, वो तो टूर पे गए। वो तो कल शाम को आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। वो आज शाम को आ जाएंगे। अच्छा जी, वो शाम तक आ जाएंगे ना? हाँ वो शाम तक आ जाएंगे। अच्छा रखती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो बेबी, कैसी हैं आप? तुम? शुक्र है, पहचाना तो? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मेरे पति एक आईएएस ऑफिसर हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो शाम तक वापस नहीं आएंगे। तुम चाहते क्या हो? अजी आपको चाहता हूँ। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो तुम? हमने तो कुछ किया ही नहीं, मगर आप जो कहोगी ना बस वही करो। ठीक है, मुस्कुरा दीजिए ना, मुस्कुराओ। बहुत इंतजार कराया है तुमने, बहुत इंतजार किया है। छोड़ दो। लो छोड़ दिया। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अच्छा पुलिस? देखिए मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। अरे यही तो रोना है बेबी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। इतना शरीफ आदमी नहीं हूँ मैं, इतनी खूबसूरत चीज भगवान के लिए ना। जान है, बहुत गर्मी दिखा रही है। आ,
बहुत हेकड़ी है। हाथ पांव भी चलते हैं आपके। बोला ना मान जा, नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तू। देखो कितना खून निकल रहा है। अरे क्यों इतना तकलीफ दे रही हो अपने आप को और हमको भी? मान जा। क्यों इतना भगा रही हो हमको तुझसे? बस बहुत नाटक है तुम्हारे। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो सारे। अब भी मान जा, अब भी मान जा। नहीं मानेगी है? सभी ऐसे नाने वाले हैं। अभी अभी तुम्हारे इलाज करते हैं। अब कैसे निवान को देखते हैं? अभी ठीक है। छोड़ दो। बेबी अब क्या करोगी यार? बहुत जोर है हा? अभी बताता हूं तुमको। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे बेबी, छोड़ देंगे। कब्जे में हो बेबी पूरी तरह से। Thanks.
पापा आ गए। अरे क्या बात है, आज हमारी बिटिया इतनी देर तक बाहर ही खेल रही है। कितने गंदे हो गए हो, चेहरे पे मिट्टी भी लगी है। मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो रो भी रही थी। तबीयत बिगड़ गई थी और रो भी रही थी। चलो देखते मम्मी का क्या हाल है। शाबाश कुंती, 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 क्या बात है कुंती? कुछ नहीं, थोड़ा बदन दर्द कर रहा था, शायद थक गई हूँ मैं। चलो बेटे एक ग्लास पानी ले आओ। कोई दवाई ली तुमने? और ये अंधेरा क्यों कर रखा है? मुझे रोशनी नहीं चाहिए। कुंती तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सुनिए आप परेशान मत होइए, बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। यहीं तुम्हारे पास बैठता हूँ, लगता है तुम बहुत थक गई हो। ऐसा करते हैं एक नौकरानी रख लेते हैं, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा काम भी हल्का हो जाएगा, थोड़ा आराम भी मिलेगा। उदास मत हो। आए से तो क्या हुआ, राज हमारा, तुम बैठो, मैं सब संभालूंगी। अच्छी तरह पढ़ाई करना बेटा। अंदर आने को नहीं कहोगे मुझे? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मगर हम क्या करें, बंटी कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है, और हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी तो वो सुनता नहीं, और फिर उम्र ही कुछ ऐसी है ना। खैर ये सब छोड़ो, जीवन में तो ये होता ही रहता है, औरत को बदनामी से बचना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तुम तो कहीं की नहीं रहोगी, हैं? ठीक कह रहा ना हम? मगर घबराओ नहीं, हमारा बंटी ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बंटी तुम्हारे पति और बच्चे को भी मार सकता है, और उसका बाल भी बांका नहीं होगा, हमारा राज है ना, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखना। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरी पत्नी है, कोई चिड़िया या चुनमुन नहीं, और अब आप डराना और धमकाना बंद कीजिए। वाह भाई, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देती हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अरे जाइए जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से। अरे तुम्हारी बिटिया तो बहुत सुंदर है, हाँ बिल्कुल माँ जैसी। विल यू प्लीज गो। सना बेटे तुम अंदर जाओ। चलो बेटा। कुंती तुम रुको, ये रामेश्वरी वर्मा यहाँ क्या कर रही थी? वो ये बंटी कौन है? कुंती मुझे पूरी बात बताओ, वो यहाँ क्या करने आई थी? वो मैं बताने ही वाली थी। क्या बात है कुंती? इधर देखो, घबराओ नहीं, मुझे पूरी बात बताओ, मुझे पूरी बात बताओ कुंती।
लाचार थी, बेबस थी। क्या हो गया? रवि साहब मेरा काम हो जाना चाहिए, पैसा तो मैं पानी की तरह बहा दूंगा। हेलो रवि, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ प्रसाद, क्या हाल है? क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ यार, बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। क्यों, क्या हो गया? भाभी बच्चा तो ठीक है ना सब? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई यार, कुछ ठीक नहीं है। साला वो जबरदस्ती दोपहर को मेरे घर में घुस गया, और कुंती का बलात्कार किया हरामजादे ने। क्या, कौन है वो? बोल, साले को अभी अंदर करवा देते हैं उसे। वही रामेश्वरी वर्मा का बेटा, और बस उसकी मां आकर हमको धमका रही है कि हम चुप रहे हैं। कस्टडी में लेकर एनकाउंटर में मार डालो साले को। वो सब तो ठीक है यार, पर ये सब इलीगल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या क्या मतलब? और जो उसने कुंती के साथ किया वो लीगल था क्या? प्रसाद, हम तभी कुछ कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ कोई FIR हो। वो कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं कि बिना वजह लॉकअप में डालकर मैं उनकी परेड करवा दूं। तुम समझ रहे हो ना? खूब समझ रहा हूं, समझ रहा हूं मैं। चुप। अरे साला, या यशवा इधर क्या कर रहा है? अरे ये जो बिरजभूषण साहब है ना, हमको छोड़ते ही नहीं है। अरे समय मिलेगा तो हम आएंगे। इंस्पेक्टर ब्रिज कहाँ है? नहीं, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ। मैंने पूछा इंस्पेक्टर ब्रिज कहाँ है? सर सर, वो अभी आते ही होंगे। ठंडा पी के निकल गई हम काफी। अरे आप सर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की सर? हमको बोल दिया होता तो हम हाजिर हो जाते। आप बैठिए ना सर, बैठिए ना, बैठिए। एक FIR दर्ज करवानी है। अरे सर, आपको FIR की क्या जरूरत? आप सिर्फ नाम बताइए, लॉकअप में डाल के उस साले का परेड करवा देंगे। तुम पहले मेरा FIR लिख लो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो चलो हम ही आपका FIR लिख देते हैं। हाँ जी। आज तकरीबन 12 बजे एक गुंडे ने जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की। अरे क्या नाम था उसका? लिखो, रामेश्वरी वर्मा का बेटा बंटी। रामेश्वरी, आज दोपहर 12 बजे में। लिखो कि उसने रेप माय वाइफ। अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम ये कंप्लेंट कैसा लिखूंगा?
आपको ये कंप्लेंट ऊपर करनी चाहिए थी। आप शट अप लिखो, ये कंप्लेंट क्यों नहीं तुम लिख सकते? तुम्हें नौकरी करनी है कि नहीं? लिखो, रामेश्वरी वर्मा के बेटे ने मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया, लिखो। हम कैसा लिखेंगे? तुम नहीं लिख सकते, इधर लाओ। आप ही लिख लीजिए ना, बेहतर होगा। अरे छोड़िए भी ब्रिजभूषण जी, आपके हाथ में कलम बलम शोभा नहीं देता। अरे आप तो बस क्लास का व्यवस्था कीजिए। ए कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से आने की? हटे यहाँ से। कारे बुलेट ना? हाँ। अरे साला, ये चखना वखना हम कहाँ रखेंगे? आए तेरे सिर पर रखेंगे कारे साला। चल चल, कागज वागज की व्यवस्था कर, चलना रे। डायरेक्टर, मैं समाज की सुरक्षा का वॉच डॉग हूँ, तुम्हारे इंसाफ का मोहताज नहीं। आई मेक द सिस्टम, आई डे नॉट ब्रेक द सिस्टम। मैं जस्टिस लेकर रहूंगा। Procedures established by the law in this country. मैं तुम सबको देख लूंगा। हट। ज्यादा नजर कर लिए क्या? ऐसी हालत में ऐसा होता है। कोई बात नहीं। You bastard! छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तू क्या समझता है? सारा शहर तेरे पाप की जागीर है? इनका दिमाग गड़बड़ा गया है। हम समझते नहीं, हम जानते हैं ये पूरा शहर हमारी जागीर है। कुछ कर लेंगे आप? अरे तुझे मालूम नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? अरे घर जाओ यार, बीवी इंतजार कर रही है, उनका ख्याल रखो। या जरूरत पड़े तो इस काम में हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। अरे साला, अरे साले, तुझे तेरी औकात बताता हूँ। होल्ड ऑन, भाभी जी को प्रणाम बोलिएगा। क्या दलूगा? देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। हेलो हेलो हेलो, कौन है? हेलो, 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 कौन है? बोलते क्यों नहीं? ये क्या बदतमीजी है? रात के 12 बज चुके हैं, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? किसका फोन था? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कोई बदतमीजी कर रहा है, बार बार ब्लैंक कॉल दे रहा है। यार कौन है ये बदतमीज? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। हम आ रहे हैं, दरवाजा खोलो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हम तुम्हारे पति और बच्चे को भी मार सकते हैं। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अपने मुंह पे ताला लगा लो। समझ गई ना बेबी? बाय। हेलो हेलो, बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, सुबह होते ही सर आपको लेकर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहीं भी, पकड़ यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ हमें बहुत डर लगता है, हमें यहाँ से ले चलिए बस। ठीक है, देखते हैं सुबह होने दो, चलो अंदर आ जाओ। कौन है बाहर? ए दरवाजा क्यों खोल रहे हो? कौन है तुम लोग? मम्मी मम्मी, कुंती तुम सड़क को लेकर अंदर जाओ, जाओ।
लाइट काट दी। शहर में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? हेलो हेलो, फोन भी काट दिया। क्या हो रहा है ये सब? चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर। आप लोग यहीं जाओ बेटा, हाँ घबराना नहीं, मैं टॉर्च लाता हूँ। क्या चाहते हैं आप? देखिए मैं गवर्नर साहब से मिलना चाहता हूँ। आज तो गवर्नर साहब बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। पुलिस वाले मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं, मेरा केस क्रिमिनल है। बंटी वर्मा ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की है। ए रमेश इधर आओ, ये फाइल नीचे अकाउंट्स में दो। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा बंटी वर्मा ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, बंटी वर्मा ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की है। मेरी पत्नी का बलात्कार हुआ है, यह कोई मामूली घटना नहीं है। मैं गवर्नर साहब से मिलना चाहता हूं अभी और इसी वक्त। देखो यहां चिल्लाकर बात मत करो, यह गवर्नर का ऑफिस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज गवर्नर साहब बहुत ज्यादा बिजी है, आप उनसे नहीं मिल सकते, और वैसे भी उनको एक फंक्शन में जाना है। मैं उनके लिए स्पीच तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? आप अपना पेटिशन लिखकर मुझे दे दीजिए, मैं साहब तक पहुँचा दूंगा। आप कह रहे हैं तो मैं पेटिशन लिख देता हूँ। इस रात ने तो परेशान कर दिया है, ऊपर से मच्छर अलग से काटे जा रहे हैं। हाँ आखिर आ भी तो नहीं रहे हैं, कब तक बैठे रहे? चुप चुप, लगता गाड़ी आ गई। आइए 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 साहेब। अरे साहेब है साहेब, इनके गोर जमीन पर मत पड़ने दो, मैले हो जाएंगे। उठा साले उठा। देखिए 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 ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। देखिए ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? अरे साहब के गोर कंधे पर उठवा रहे हैं, गलत कर रहे हैं? पहले तो इस टेपनी को छठी का दूध याद दिला दो। अबे मार साले को। पकड़े रहो इसको। बहुत बड़े ऑफिसर बनते हो ना? बहुत तेरी तो। बहुत 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 बड़े ऑफिसर। ले चल इसको बंटी भैया के सामने ले चल। ए ए छोड़ो। औकात में रहे नरेंद्र वर्मा उर्फ बंटी, बहुत जल्द तो चक्की पीस रहा होगा। किसी के बूते पे कूद रहा ना तू? चल गई होगा पता तुमको कितना होता है कैलू? अरे 6 इंच बंटी भैया। पता साले को 6 इंच छोड़ा कर देंगे बाबू। तुम सबके सब मिले हुए हो, मैं तुझे देख लूंगा बंटी। तुम तो जब देखोगे देखोगे, हमने तो देख लिया, सर से पांव तक देखा है। बड़ी खूबसूरत है तुम्हारी बीबी, एकदम टनाका। प्रसाद प्रसाद, ये तुम्हारी जगह नहीं है, मेरी मानो। तुम यहां से ट्रांसफर लेकर कहीं और चले जाओ। बकवास बंद करो सना, क्यों जाऊं मैं यहां से? क्यों जाऊं इन इन गुंडों की वजह से? मैं यहीं रहूंगा और कानूनी लड़ाई लड़ूंगा।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। यह जंगल राज है, यहाँ जंगल राज चलता है। और नहीं तुम में है हिम्मत तो उठा बंदूक और मार डालो एक एक। हिम्मत भी और पतला भी लूंगा, लेकिन अपने हिसाब से, कानूनी हिसाब से। साहब आपका फोन। हाँ बोलिए, क्या तकलीफ है? हेलो सर, सर मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें हमारी क्या गलती है भाई? नहीं सर, सर मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा, पुलिस वाले एफआईआर तक नहीं लिख रहे सर। सर मेरी वाइफ का रेप हुआ है, एमएलए रामेश्वरी वर्मा का बेटा बंटी, उसने मेरी वाइफ के साथ बलात्कार किया है। मुझे मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर। ओहो, ये बंटी साला बहुत नालायक है। देखिए आप ऐसा करिए, कल सुबह आ जाइए हमारे बंगले पर, फिर सुनते हैं आपकी तकलीफ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मैं बंटी की दारू की ठेके का लाइसेंस पक्का समझू? अरे बंटी तो हमरे बेटवा जैसा है, उसके लिए क्या कहना। आइए आइए प्रसाद बाबू, आइए बैठिए बैठिए। अरे कुछ चाय वाय की व्यवस्था करो प्रसाद बाबू के वास्ते। जी। क्या बताएं प्रसाद बाबू, आपसे ज्यादा तो हम परेशान हैं इस लड़के से। और सुनिए रामेश्वरी जी, अब यह आखिरी बार है, इसके बाद इसने कुछ किया तो बस आप जाने और ये जाने। और कहा रे बंटी, तेरा कुछ लिमिट लिमिट है कि नहीं ससुरा? चल माफी मांग। प्रसाद जी मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपकी बीवी के साथ बलात्कार किया, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? लीजिए, माफी भी मांग ली। आप तो खुश है ना आप? ये क्या मजाक है सर? अरे इसमें मजाक की क्या बात है, आप तो कमाल करते हैं प्रसाद बाबू हैं? अरे भाई बच्चा है, गलती हो गई, माफी मांग रहा है, माफी दे दीजिए। सर इस गलती की वजह से मेरा घर तबाह हो गया, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को आप छोटी सी गलती कहते हैं? बचपना? नहीं सर, इसे माफी नहीं, इसे सजा की जरूरत है जो आप इसे दे नहीं सकेंगे। मेरी भूल थी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया था, मैं खुद को जरूर ऐसा करूंगा जिससे हमें इंसाफ मिले। नमस्कार। अरे छोड़ गया इनको बाहर। ये तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है। तो आप इसके बतंगड़ पर कंकर मारिए।
आई एम सॉरी, ये एफिडेविट है, अगर आप इस पर साइन कर देंगे तो कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हमें कुंती से मिलना है, हम कुंती से मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मिस्टर प्रधान, हम कुंती से मिलना चाहते हैं। ये अभी मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं, हम सच्चाई चाहते हैं। देखिए, सही वक्त आने पर हम आपको सच्चाई बता देंगे। मिस्टर अभिमन्यु सिंह, क्या ये सच्चाई असली सच्चाई होगी या पुलिस की सच्चाई जिसमें सच कम और झूठ ज्यादा होता है? अरे, पुलिस वाले इंसान नहीं होते क्या? अब तक तो नहीं देखा। तुम्हें कैसे मालूम? रिपोर्टर हूं, हर बात की खबर लेना मेरा पेशा है। हे, रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम पुलिस वाले हथकड़ी के अलावा क्या दे सकते हो? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हथकड़ी तो लाए हैं। देखा, जिंदगी भर के लिए गिरफ्तार होने को तैयार हूं? तैयार हूं। से मिलना जुलना जो हुआ है, तुमसे मिलना जुलना जो हुआ है, मेरे दिल को कुछ तो हो गया है। नींद भी उड़ गई, चैन भी खो गया है। तुमसे मिलना जुलना जो हुआ है, मेरे दिल को कुछ तो हो गया है। बातें लबों पे आए, कहीं सब कुछ ही बदल न जाए, बेगाने अपने बन जाए, दिल घबराए, हाय।
क्या समा है, क्या सुहाना सिलसिला है, क्या समा है, क्या सुहाना सिलसिला है, मेरे दिल को कुछ तो हो गया है, नींद भी उड़ गई, चैन भी खो गया है, तुमसे मिलना जुलना जो हुआ है, मेरे दिल को कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलना जुलना जो हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम अपनी इस प्यारी सी पुलिस फोर्स से 24 घंटे दूर रहोगे तो ऐसी कौन सी क्यामत आ जाएगी? रीना, ये क्या कह रही हो तुम? बताओ, बताओ ना प्लीज। रीना, बात 24 घंटे की नहीं है, बात उसूलों की है। मैं ड्यूटी के लिए कभी लेट नहीं होता। हाँ, तुम क्यों लेट होगे? तुम्हें तो इन चोरों चकों की शक्ल मुझसे ज्यादा ही पसंद होगी ना। वैसे आजकल औरतें भी डकैती करने लगी हैं। और एक हाथ तो देखने भी खूबसूरत है। सरा मैं भी तो देखूं कौन है जिसे तुम्हारा दिल जीत लिया। इस दिल को तो तुमने कैद कर रखा है, अब ये भागकर कहां जाएगा? तुम मेरे लिए एक दिन रुक जाओ ना, एक दिन। नहीं 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 रीना, कुछ जरूरी काम। एक दिन प्लीज। देखो मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है, प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। Really? सब कैसे हुआ? यस सर। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? साहब, कबीले के एक लड़के को कल राठौड़ साहब ने गिरफ्तार किया। जब कबीले वाले उसकी रिहाई के लिए आए तो राठौड़ साहब ने गुस्से से उन पर गोलियां चलवा दी। ओह माय गॉड, राठौड़! कहाँ है राठौड़? सर वो कल से ही लापता है। मिस्टर सिंह, वी डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। इतनी गैर जिम्मेदारी एक आईपीएस ऑफिसर से? होम मिनिस्टर को एक्सप्लेनेशन चाहिए। हादसे के वक्त आप कहाँ थे? सुना है आप किसी औरत के साथ थे। मिस्टर सिंह, ये इंक्वायरी कमीशन आपको इस हादसे के लिए दोषी ठहराता है और आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। पुलिस प्रशासन, एसपी सिंह हत्यारा है। अगर आप चाहें तो अपने पीछे के दरवाजे से जा सकते हैं। ना तो मुझे एक दिन रुकने के लिए कह दी, ना मैं रुकता और ना ये सब कुछ होता। ये सब तुम कह रहे हो? तुम इन सब के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? तो और किसे कसूरवार ठहराऊं? अपने आप को? अभिमन्यु। ठीक है, शायद ये मेरी गलती थी, मेरी बेवकूफी थी कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। ओके, अब मुझ पर एक एहसान करो, मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। हेलो मिस्टर सिंह, प्रधान हियर। हेलो सर। बंटी का अरेस्ट वारंट हमारे पास है। क्या? यस, वी गॉट द अरेस्ट वारंट। वाओ, ये तो बस आगाज है सर, आगे आगे देखिए क्या होता है। अखबार वाले हंगामा कर रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि बंटी वर्मा कहाँ है।
सिर्फ अपनी पुलिस डिपार्टमेंट इस बात से अनजान है। उनके हिसाब से ही इज एब्सकॉन्डिंग। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये। अब सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आखिर कहां मिलेगा ये बंटी वर्मा? सर अगर बात ऐसी है तो क्यों ना हम अखबार वालों से ही पूछ लें। वैसे 21st Century Times की रिपोर्टर मिस रीना, क्या हम उसको इंटरोगेट कर सकते हैं? नॉट अ बैड आइडिया। से बदला लेने का और कोई तरीका नहीं मिला? मैं समझी नहीं। ये क्या? ये मेरा काम है। किसी पर कीचड़ उछालना कब से तुम्हारा काम हो गया? देखो अभिमन्यु, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही है। सारे शहर में ये चर्चा है कि पुलिस बिल्कुल लाचार और कमजोर है। काश मुझे इस कमजोरी को दूर करने का एक मौका मिल जाए। मुझसे जितना होगा मैं करूंगी। अगर मुझे बंटी के बारे में कुछ भी मालूम पड़ा मैं पुलिस को जरूर बताऊंगी। प्रॉमिस। ओके, बाय। ओके। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इस बार हम रैली नहीं करेंगे, रैला करेंगे। अपोजिशन वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पैसा जो है वो पानी की तरह बहा देंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, भीड़ जो वो है 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। होगी जी, बिल्कुल होगी। महिला विंग मैं संभालूंगी। इस बार बंटी को भी तो कोई जिम्मा दीजिए। आप भी जो है कमाल करती है रामेश्वरी जी, इसको जिम्मेदारी सौंपें, और वो भी हमारी रैली का। ये तो खुदा ही अपनी छवि बिगाड़ चुका है। तारे बंटी, और कोई नहीं मिली थी का तुझे? आईएएस की बीवी मिली थी? सरकार गिराएगा का हमारी? सरकार बंटी भैया को कम मत आकिए। अरे चाहे तो अकेले ही रैली में बहुत बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं। फिलहाल मुझे यूथ विंग का जिम्मा दीजिए और देखिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, दे दिया, लेकिन जरा दिमाग लगा के चौकन्ना होके काम करना। अपोजिशन वालों को तगड़ा झटका देना इस बार। आप फिर से सोच लीजिए। ये मत भूलिए कि इंटरव्यू छपने के बाद आपकी जिंदगी का ये पहलू सबके सामने खुल जाएगा। और आप शायद भूल रही हैं कि इस बात का इस बच्ची पर क्या असर होगा। ये सब सोचकर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। मैं देखती हूँ। कौन है रीना? वो मैं हूँ। अरे आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा सना के लिए कुछ लेके चले। थैंक यू अंकल। अच्छा बेटा, अंदर जाओ। अच्छा मम्मी। इनसे मिलिए, ये है रीना। हम मिल चुके हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, फिर कभी। अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है। एक बार ड्यूटी पर देर से जाने की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका हूँ। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। कब से जानती हूँ इन्हें? 2 साल से। बहुत प्यार करती हो ना? मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ और ना ही जानना चाहती हूँ। बस सिर्फ इतना ही कहूंगी, अपने प्यार को कभी खोना मत। आइए मिस्टर ब्रिजभूषण, ये फाइल जरा। सॉरी सर,
ये आपकी नेक्स्ट लाइट फाइल है। जी सर। इसमें असली अरेस्ट कितने हैं और नकली कितने हैं? हैं? हम कुछ समझा नहीं सर। समझी नहीं? मिस्टर ब्रिजभूषण, अगले 24 घंटे में मुझे नक्सलाइट सिचुएशन पर फाइल चाहिए, और वो भी असली, वरना मुझे आपको दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा। ठीक है सर, हम ये फाइल ले जाऊं? क्यों नहीं, जरूर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप सर? ये वही जो आपने विश्वनाथ प्रसाद के एफआईआर के साथ किया था। ये नाम आपने जरूर सुना ही होगा। नहीं सर, हम ये नाम पहले नहीं सुना हूं। मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि उनकी बीवी का बलात्कार किया गया था, और जब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया तो आपने उस एफआईआर को फाड़ दिया। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं सर, विश्वनाथ प्रसाद ने तो एफआईआर दर्ज ही नहीं किया था। इसका मतलब आप उनको जानते थे। मिस्टर ब्रिजभूषण, एक आदमी ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला आपकी वजह से। मैंने कसम खाई है कि मैं विश्वनाथ प्रसाद के अधूरे काम को पूरा करके रहूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी सच्चाई छुपी हुई है। अगर विश्वनाथ प्रसाद के मौत के पीछे की सच्चाई मुझसे छुपाई तो उसे आपकी हलक से बाहर निकालूंगा। देखो बिटिया, सना की परवरिश तो तुम्हें ही करनी है, लेकिन ये ठीक नहीं है बेटी, खुद को पहले संभालो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? आश्रम में आकर काम में अपना हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ, क्योंकि उसे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और सना बिटिया को भी अच्छा लगेगा। क्यों बिटिया? मम्मी मम्मी, वो क्या है? बेटा वो मैं बताता हूँ। अगर कोई भी मुसीबत में आ जाए और उसे बचाए तो आश्रम के सारे लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। समझी? हाँ। अच्छा कुंती जी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा रीना, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते। यहाँ कब से हो? बस एक हफ्ता ही हुआ। उस हादसे के बाद तुमने कभी मुझे फोन ही नहीं किया। किस मुंह से करता? अब तक अपने आप को दोषी मानते हो क्या? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, जो होता है वो मुकद्दर है। और हमारा फिर से मिलना? वो भी मुकद्दर है। क्या हुआ? I'm sorry, हमारे बीच जो कुछ हुआ है उसके लिए। चुनरी लहराए तो दिल धक धक करता है, चुनरी लहराए तो दिल धक धक करता है, दिल धक धक करने से मुझको कुछ होता है। मैं तेरे मिलने से पहले दीवाना नहीं था, चुनरी लहराए तो दिल धक धक करता है।
मैंने क्या कह दिया, होश में अब नहीं है जिया। जब खनके तो दिल धक धक करता है, दिल धक धक करने से मुझको कुछ होता है। मैं तेरे मिलने से पहले दीवाना नहीं था, चुनरी लहराई तो दिल धक धक करता है। देखता हूँ जिधर आए मुझको तू नजर, तू मेरी जिंदगी है मेरी जान। चुनरी 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 लहराई तो दिल धक धक करता है, दिल धक धक करने से मुझको कुछ होता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बाय। ये बंटी भैया, अरे बंटी भैया, ये तो वही लड़की है जो आजकल हमके खिलाफ बहुत लिख रही है। इसका भी इलाज कर दें। साली को टूजन देके आते हैं। हेलो बेबी। तुम? हाँ हम। कलम क्या उठा लियो कि तुम तलवार से टकराने चली हो? ये खूबसूरत शकल है ना तुम्हारा, चील कौओं को खिला देंगे, समझी? जुबान बंद रखना वरना वो हल करूंगा कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको पहचान नहीं पाएंगे। याद रख, चलता। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बंटी ही था? हाँ अभिमन्यु, मैं उसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ। इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास होगा। सुनो, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, क्विक, जल्दी, कम ऑन। इस बार वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुम यही रहो मैडम के साथ। ये यही रहेगा तुम्हारे साथ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अभिमन्यु तुम कहाँ जा रहे हो? इन लोगों ने अपनी ताकत की बहुत नुमाइश कर ली, अब मैं अपनी ताकत आजमा के देखता हूं। अरे साला ब्रिजभूषणवा जो है ना, आजकल बहुत अकेले अकेले माल खा रहा है, हम लोगों को देता नहीं है। देखना साले को एक दिन ऐसा। अरे साला ये नयका एसपीआ है कार है। अरे साला ये तो इधर ही आ रहा है, क्या बात है भाई? बंडी कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल बंडी कहाँ? नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल। अरे क्या कर रहे हैं जी, आपको पता नहीं हमारी पहुंच सीएम तक है? चीफ मिनिस्टर तक? हाँ चीफ मिनिस्टर तक। अच्छा? अभी फोन करके बताते हैं आपको। अरे सलाम मोबाइल तोड़ दिया इसको। अरे दिमाग खराब हो क्या तुम्हारा? बोल बंटी कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम?
नहीं मालूम। बोल, बंटी कहाँ है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। अब देख, सीएम की गोद में पहुंचा दूंगा। बताता हूँ, बताता हूँ। जाने के दो रास्ते हैं, एक तो अस्पताल या तो मेरे साथ। 2 सेकंड देता हूं। दो सेकंड खत्म। चलता हूं। औकात में रहे इंस्पेक्टर, औकात में। तुमको मालूम नहीं है कौन हल्ला कर रहा है? किसकी मौत आई है रे? अरे अभिमन्यु, चल चल। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सर कौन कौन है आप? इसको बताओ, जानते नहीं है सर? अंदर डाल दो इसको। अरे सर, इसको कैसे अंदर डालें? मैं जानता हूँ ये कौन है। अंदर डालो इसको। सर हम इसको नहीं डाल सकते सर। अरे मुंह क्या देख रहे हो, अंदर डालो इसको। सर हम इसको कैसे अंदर डालेंगे सर? ये बंटी है। तुम बहुत डरते हो, कोई बात नहीं, ये काम भी मैं पूरा कर देता हूँ। चल चल बे, चल बताओ मजदूर है इसको। हाँ चल चल, छोड़ूंगा नहीं। चल अंदर। एसपी, बहुत गर्मी है तुमको खाकी का? साला तुम्हारी खाकी और काल दोनों नहीं निकाला तो हमारा भी नाम नहीं। अब ये बजाएगा तेरी घंटी। अरे सर रुक जाइए, मर जाएगा सर, ये मर जाएगा। अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मारिए। भूषण हट जाओ, तुम हट जाओ। अरे सॉरी बंटी, तेरे लिए मैं मार नहीं खा सकता। वक्त की खामोशी को मजबूरी मत समझना। खादी की औकात ही क्या है जो खाकी को मिटा सके? मैं हिंदुस्तान का वो सिपाही हूं जो मिटकर भी इंसाफ दिला दे। ये देखिए, याद है मैंने क्या कहा था कि उनकी नकली जीत को हार में बदल दूंगा? यह पहला कदम है। अगर आप ना होते तो शायद ये भी नहीं होता। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। अब बस कानून अपना फर्ज निभा दे
तो आपको न्याय मिल जाएगा। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहाँ हो तुम? देखो मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया है, प्लीज जल्दी आओ। रीना, रीना, रीना! अभिमन्यु, रीना, रीना, कहाँ हैं वो लोग? तुम ठीक तो ना रीना? कुछ बताओ रीना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? ये कैसा मजाक है? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तुम तो नाराज हो गए। और क्या, तुमने ये भी नहीं सोचा कितना परेशान हो जाऊंगा मैं? स्टूपिड। अभिमन्यु, आई एम सॉरी। अभिमन्यु, आई एम सॉरी। अभिमन्यु, 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 आई एम सॉरी बाबा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नजर का मिलाना मोहब्बत है, नजर का झुकाना मोहब्बत है। तुम चाहे जिससे पूछ लो मेरे सनम, तुम चाहे जिससे पूछ लो मेरे सनम। नजर का मिलाना मोहब्बत है। बनाए मुझको तेरी अदाएं, तुझको बुलाए मेरी बेचैन बाहें। करना बहाना मोहब्बत है, यु ज़ुल्फ़ें गिराना मोहब्बत है। तुम चाहे जिससे पूछ लो मेरे सनम, तुम चाहे जिससे पूछ लो मेरे सनम। चाहे जिससे पूछ लो मेरे सनम। नजर का मिलाना मोहब्बत है।
ढंग से चारा खिलाओ रे भैंस को। कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहा है सुहान बाबू, थोड़ा अच्छा से समझाना पड़ेगा। वो देखो साला कैसा धोती उठाए चला आ रहा है। आइए आइए सुहान बाबू, खुश रहिए, बैठिए। अरे कुछ चाय चू पिलाओ भाई इनको। जो रे चाय लेके आओ। का रे दैलुआ, तू बताया नहीं हमको राज काज कैसन चल रहा है हमरा। का बोले सरकार, अपने लोग ही बदनामी फैला रहे हैं। ये का पहली बुझा रहा है रे, साफ साफ बोलना। आप पतियाइएगा नहीं सरकार। तू बोल तो सही। अब का बोले, अपने ही सुहावन बाबू है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग में एकदम पैसे का गर्दा छुड़ा दिए हैं। अरे साला झूठ बोलता है का। तब भी न कर रहे थे आप पतियाइएगा नहीं। अरे पतियाने की बात ही नहीं है, सोहन बाबू हमारे खास आदमी है, जानता नहीं है का। चल माफी मांग इनका से। माफी? वो भी इनका से? अरे अपने आदमी तो पीठ में छुरा भोगता है। सरकार पूछिए इनसे कि आप ही के नाम पर पैसा खाते हैं और ये फैलाते चलते हैं कि सीएम को पैसा देना पड़ता है। का सोहन बाबू, ये का सुन रहे हैं हम? लगता है बड़का घपला किया है इस बार। मंत्री रहना है कि नहीं रहना है? नहीं रहना है तो जाइए यहाँ से। और बड़का बाबू आप जाइए इनके साथ, अब तक जितना कमाई किया उसका आधा लेकर आइए, और नहीं दे तो रेजिग्नेशन लिखवाइए। जाइए। हाँ खुश रहिए। बचाव पक्ष और लोक अभियोजक दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नरेंद्र वर्मा उर्फ बंटी और उसकी मां रामेश्वरी वर्मा निर्दोष हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अभियोजक पक्ष ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है, लिहाजा इन दोनों को ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। मैं कुछ न कर सकी, माफ कर दीजिए मुझे। उस दरिंदे को सजा नहीं दिलवा सकी मैं। कितने खुश थे हम, सब कुछ खो गया, मैं हार गई, हम हार गए। जब तक सूरज चांद रहेगा बंटी तेरा नाम रहेगा, यही नारे लगा रहे थे लोग हमारी रिहाई के बाद, जबकि यह सच है कि हमने किया है कुंती का बलात्कार। फिर भी लोग कर रहे हैं हमारी जय जयकार, क्योंकि हम हैं यहाँ के बेताज बादशाह। अरे यादव जी थोड़ा खैनिया तो बनाइए। अरे खड़े खड़े ससुर के गोड़ दुख गए हमारे तो। बनाते हैं बनाते हैं। मतलब हार मान ले और चुपचाप बैठ जाए, यही कहना चाहते हैं आप? मिस्टर सिंह, मैंने सर्विस से रिजाइन करने का फैसला कर लिया है। रिजाइन? मैं रिजाइन नहीं कर सकता, मैं इतना कायर नहीं हूं। कायर तो मैं भी नहीं हूं मिस्टर सिंह। अगर मैं अपना फर्ज नहीं निभा सका तो ना सही, लेकिन मैं अत्याचार का साथ नहीं दे सकता। और वैसे भी मेरा दिल डिपार्टमेंट के काम से उब चुका है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये रही बंटी की पर्सनल डायरी की रिसीट, जिसमें उसने खुद लिखा है कि उसने कुंती के घर में घुसकर उसका बलात्कार किया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। उस डायरी को मैं अभी अभी पुलिस हेडक्वार्टर में जमा करके आई हूँ। अब आप लोग बंटी को गिरफ्तार कर सकते हैं। आई होप दिस इज द लास्ट थिंग टू डू। अब वो डायरी आखिरी कड़ी है बंटी की गिरफ्तारी की।
आज बहुत खुशी का दिन है। खुशी इस बात की है कि हमारे सीएम श्री चंद्रमोहन बाबू के ऊपर एक किताब लिखी गई है। इस किताब में उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगी कि वो इस पुस्तक का विमोचन करें। चंद्रमोहन बाबू की जय। चंद्रमोहन बाबू की जय। यहाँ आई हुई सब जनता को हम प्रणाम करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि बंटी एक ऐसी माँ की संतान है जो समाज सेवा के लिए इस पूरे राज्य में विख्यात है और बहुत बड़ा काम किया है वो ये किताब लिख के। तो अब हम बंटी के मुंह से ही सुनते हैं कि वो क्या लिखा इस किताब में हमारे बारे में। तो भाई बंटी आओ तुम ही बताओ क्या लिखे हो इस किताब में। बंटी भैया की जय। बंटी भैया की जय। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। अब ये मुनासिब तो नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मैं ज्यादा कुछ बोलूं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरी किताब को पढ़ें, खास करके इनके चरित्र के बारे में। अभी इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। जी सर। मेरे पास आप दोनों का अरेस्ट वारंट है। सर दिल्ली से कॉल है। दिल्ली से? हेलो सर। आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप रामेश्वरी को अरेस्ट नहीं करें। बट सर वी हैव गॉट एविडेंस। हेल विद योर एविडेंस। यहाँ सरकार खतरे में है, आपको पता है ना कि कोएलिशन की सरकार है। मगर सर मेरी बात सुनिए सर। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक्सक्यूज मी। यस सर। अभी इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं सर? ऊपर से ऑर्डर है। आइए। क्या ऑर्डर है सर? रुकिए मिस्टर सिंह, लेकिन हमारे पास एविडेंस है सर। सर मुझे दिल्ली वापस बुलाया है। क्या बात है एसपी साहब, अब जबकि पुलिस के पास में रामेश्वरी देवी का गिरफ्तारी वारंट है तब आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हाँ इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, कहते हैं सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में है। गिर जाए साली ऐसी सरकार, हम तो बस कानून के पुतले बनकर रह गए हैं। रामेश्वरी जी सुना है पुलिस आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लाई थी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे भाई ये सब बेबुनियाद बातें हैं, षड्यंत्र चल रहा है हमारे खिलाफ, हमें बदनाम करने की साजिश है ये, मगर हमें कोई डर नहीं, हम तो बस जनता के सेवक हैं। नमस्कार। क्या है भाई आप लोग काहे एक प्रतिष्ठित महिला से इस तरह के सवाल करके छेड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती का? जाके पूछे अपनी अम्मा से, कोई माँ अपने बेटे को बलात्कार करने में मदद करेगी? और एक बात बताइए, किसने कहा आपसे कि बलात्कार हुआ है? और अगर हुआ भी है तो आप वहाँ कैमरा लेके फोटो खींचने गए थे? चलिए जी, चलो कल के लिए हेडलाइन मिल गई। माफी चाहता हूं, इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में सियासत की जगह भूल गया था। मुझे हमेशा अपने उसूलों पर गर्व रहा है, लेकिन आज मैं अपने उसूलों को भूलकर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अपने आप को इंसाफ दिलवाइए। जीत हासिल करने के कई तरीके होते हैं, आप भी एक तरीका अपना लीजिए। कानून अपने हाथों में लीजिए। हां यह सब मैं कह रहा हूं क्योंकि इस जंग में मैं आपके साथ हूं। जब वर्दी और कलम दोनों झूठ के सामने झुक जाते हैं तो उस वक्त इंसान के हाथ में सिर्फ एक ही हथियार बचता है, उसकी अपनी ताकत। आज हम एक होकर उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अभिमन्यु जो तुम कह रहे हो उसमें बहुत खतरा है। इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं,
लेकिन कुछ करने से पहले मुझे अपनी एडिटर से दिली बात करनी होगी। तो जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। हेलो। हेलो एडिटर साहब, मैं रीना बोल रही हूँ। हाँ रीना बोलिए। मैं आपसे एक ऐसी खबर छापने के परमिशन चाहती हूँ जो अब तक जर्नलिज्म के एथिक्स के बाहर है। एथिक्स के बाहर है? ऐसा क्या काम है? देखो ये ठीक नहीं है। सो प्लीज हैव फेथ इन मी सर। ठीक है, लेकिन अपनी पूरी जिम्मेदारी का ध्यान रहे। ओके। हेलो कुंती जी, मैं रीना बोल रही हूँ। हमने मिलकर कुछ ऐसा सोचा है कि जी कैसे नहीं पहचानेंगे आपको। बोलिए कैसे याद किया, कब मिला है, बोलिए। ओके 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 यप। मैडम क्या है? सो रही हूँ। मैडम फोन है। कह दो सो रही हूँ। सीएम साहब का फोन है मैडम। हेलो। अरे क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा बंटी का सरकार गिराएगा हमरी। अरे अब क्या कर दिया है बंटी ने। इल्लो सारी लंका जल गई, इन्हें खबर ही नहीं। अरे अखबार नहीं पढ़ी हो का आज का? अरे बोलो भाई बंटी से अपनी हरकतों पे जरा लगाम लगाए, कब तक बचाते फिरेंगे हम उसको। सुखिया, बंटी कहाँ है? हेलो बेबी, हेलो। बच्ची है, समझती नहीं। आइए आइए ना। स्टाइल में है? क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? पिछली बार सब कुछ जल्दी हो गया था ना, आज सब आराम से होगा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। छोड़ दे हरामजादे। ये था तुम्हारा प्यार, अब बताता हूँ क्या होता है प्यार। सारी हरामजादी, तेरे को तो मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, तुमको तो किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, खेल ही कदम काट डालूंगा तेरी तो मैं। नारी धरती, नारी अंबर, नारी ही संसार है।
नारी दुर्गा नारी काली नारी तारणहार है। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो। मारो। माफ कर दो तुझे। मारो। कमीने। मारो इसे। मारो इसे। हरामजादी को देख देख देख, पहले फोन करके बुलाती है साली, उसके बाद डंडे चलाती है। अरे तुम्हारा तो जिस दिन मैंने चरणामृत पिया था ना, उसी दिन प्रसाद खाके तुम्हारा स्वाहा कर देना चाहिए था। अरे स्वाहा तो मैं तुम्हारा करूंगी, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी खानदान की औरतें बेटा पैदा करने में भी कतराएंगी। यस साली, ले जा साली को, आज हम तुमको बचाओ और मैं चाहते हैं। चल साली हरामजादी, क्या समझी थी क्या? हाँ देख जनता देख, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत आवाज उठा रही थी, आज उसी जनता के सामने मैं तेरा क्या क्या उठा रहा हूँ देख। ए बंटी भैया, ये मैडम जी का क्या करना है? अब देखो, हम तुमको फ्री शो दिखाते हैं। फ्री शो? फ्री शो? ये क्या होता है बंटी भैया? तुमको नहीं पता ना? तुमको भी नहीं पता, देखो क्या होता है। कुंती जी प्लीज, कुंती जी हमारे बच्चे फ्री शो देखना चाहते हैं, आप हमारी मदद करेंगी प्लीज। हट, तू फ्री शो देखना चाहता है ना? हाँ तो देख, जब तेरी नजर इस छाती पर गिरेगी ना, तो अपनी माँ की छाती याद कर कमीने, जिसका दूध पीकर आज तू इस घिनौनी हरकत के काबिल हुआ है। अरे गलती तुझ में नहीं, उस दूध में है जो जहर बनकर तेरी नस नस में दौड़ रहा है। जा अपनी माँ से पूछ कर आ कि किस फ्रीशो की पैदाइश है तू। जा साली हरामजादी, नंगा ना जाऊंगा बाजार में तुमको। कर और कर भी क्या सकता है तू? उस दिन मेरे कपड़े उतार कर मेरा जिस्म देखा था ना? हाँ आज तू मेरी शक्ति का कहर देखेगा। ए! रुक, बहुत हो गया बोल बच्चा, अब होगा डायरेक्ट एक्शन। साला एसपी, फिर तू आ गया बीच में रे, एक फोन पे वर्दी उतरवा देंगे साले। लगता है तू पिछली बार की मार भूल गया है। ये वर्दी किसी रंडी की साड़ी नहीं है, जिसे कोई नेता या मंत्री जब चाहे इलेक्शन का टिकट देकर उतार ले। तेरी तो गलत हो साले को।
जुल्म का जब भी पताका दुनिया में लहराया है, युग युगों में जौहर अपना नारी ने दिखलाया है। वध किया है हर कदम पर जुल्म करने वालों का, हल किया है नारी ने दुनिया के हर सवालों का। चलो ऑटो। ब्रिजभूषण जी, मेरी बेटी को बचाओ वरना जनता उसे मार डालेगी। मैडम आप फिक्र मत करो, हम उसको बचा के लाता हूँ। तो जाओ, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अबे हटो यहाँ से, रास्ता दो। अरे हटो, चलने दो, रास्ता दो। मैडम जनता बगावत पर उतर आई है, हमको घुसने नहीं दे रहे। बकबक बंद करो ब्रिजभूषण, मेरे बेटे को वहां से निकालो, मेरा ऑर्डर है, इन पे फायर करो। अरे कैसे फायर करें, इतने लोग मर जाएंगे तो जिम्मा किसका है? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तुमसे कहा ना फायर करो, वरना मैं तुम्हें चौक में नंगा नचाऊंगी। ब्रिजभूषण जाओ। ठीक है जिम्मा आपका है, हमारा नौकरी नहीं जाना चाहिए। हाँ ए हवलदार, फायर करो। कोई फायर नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, ये लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। आप घबराइए मत, आपके बेटे को मरने नहीं दूंगा। मिस्टर ब्रिजभूषण जी सर, गाड़ी में बंटी के दोस्त हैं, उन्हें अस्पताल ले जाओ। लेकिन सर हम यहाँ कंट्रोल अभी ले जाओ। ठीक है सर, आप कहते हैं तो हम जाते हैं। मैडम हम जा रहे हैं। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को बचाओ, वो उसे मार डालेंगे। हम तो सिर्फ कानून के रक्षक हैं, और कानून आपके हाथ में है। वैसे आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बंटी को मरने नहीं दूंगा। दिखाई नहीं दे रहा, उसे मार डालेंगे, उसे बचाओ। घबराइए मत, मैंने बोला ना। तुम जैसे को सीधा करना आता है मुझे। डरिए मत, सही वक्त पर जाऊंगा मैं। चंद्र बाबू, मैं रामेश्वरी बोल रही हूँ। हाँ रामेश्वरी जी बोलिए। यहाँ पब्लिक बंटी को मार डालेगी और ये इंस्पेक्टर यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहा है। आप क्या बोल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? मैं रामेश्वरी बोल रही हूँ। अरे भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कमबख्त मोबाइल वा का सिग्नल वा भी टूट जाता है बार बार। हेलो हेलो पब्लिक बंटी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में बात करिए। किस किस से माफी मांगोगे तुम? बोलो किस किस से माफी मांगोगे? तुम्हारी वजह से मेरी बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई, उसके लिए माफ कर दूं? बोलो, तुम्हारी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए माफ कर दूं? बोल कमीने। सबके सामने कहना होगा
कि तुमने कितने पाप किए। बोल बोल हरामजादे बोल। बता दो हमने बलात्कार किया, मैंने उसका बलात्कार किया, मैंने रीना को डाला, मैंने सला को धमकाया, मैंने पाप किया, गुनाह किया, जुर्म किया, मैंने कुंती का बलात्कार किया, कुंती का बलात्कार किया। नहीं कुंती, नहीं, ये उन्हीं का उसूल था। हाँ ये उन्हीं का उसूल था, मुजरिम को सजा कानून देगा। अब ये पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा, यही इसकी सजा है। चल इसके आंचल से है झड़ते हर घड़ी ममता के फूल, श्रद्धा से माथे चढ़ा लो नारी के चरणों की धूल, खींचते हैं जो भी आंचल देवी रूपी नारी का, वध करो उस पापी अत्याचारी का। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये काले बादल फिर हमारी जिंदगी में ना आए। बेटी मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि जो कुछ भी तुमने देखा सहा उसका साया भी तुमसे दूर रहे। बस हाँ, इस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी देना। तुम दोनों कल जा रहे हो? जी कल सुबह। साथ में ना? हम दोनों का मिलन भी एक तरह से आपके वजह से ही हुआ है। और अगर हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। बताओगी ना? हाँ अंकल। अच्छा चुनरी लहराए तो दिल थक थक करता है, चुनरी 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 लहराए तो दिल थक थक करता है, दिल थक थक करने से मुझको कुछ होता है, मैं तेरे मिलने से पहले दीवाना नहीं था। चुनरी लहराए तो दिल थक थक करता है, चुनरी